ग्रुप में जो एक लड़का होता है जो सबकी बहुत अच्छी तस्वीरें खींचता है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वो सबसे फजूल तस्वीरें उस बेचारे की खींचती है। खूबसूरत तस्वीर बनती है, उसके लिए इंसान का खूबसूरत होना जरूरी है। कोई ऐसा होता है कि मैं अगर सुर्ख रंग पहन लूंगी या अगर सफ़ेद रंग पहन लूंगी तो तस्वीर ज़्यादा अच्छी आएगी, क्या ये भी मैटर करता है? रंग भी मैटर करते हैं। पिक्चर तो ले ली हमने, उसके बाद उसकी जब एडिटिंग होती है ना वो भी बहुत कमाल होता है। इतनी अच्छी पिक्चर्स होती है ना, बहुत अच्छी जो कंपटीशन में आती हैं वो एडिटिंग के बगैर नहीं आती हैं। नहीं आती। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा आवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ के खुदा अपनी रहमतें भी पाया से आपका दामन उम्मीद भर दे और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। नाजिन, जब भी आप कोई खूबसूरत तस्वीर देखते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे खूबसूरत रंगों का होना, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा शख्स होता है जो कि उस तस्वीर को खूबसूरत बनाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फोटोग्राफर की। आज हमारे प्रोग्राम में एक बहुत ही टैलेंटेड फोटोग्राफर मौजूद है जो कि बाय प्रोफेशन पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर है, लेकिन कुदरती मनाजर को बड़ी ही खूबसूरत से कैमरे की आंख में बंद करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है यासिर बसीर, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर, उनको वेलकम करते हैं। यासिर, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा यासिर, ये मुझे बताइए कि ये जो फोटोग्राफी का शौक कैसे आपको आया? बचपन से शौक था? जब कॉलेज लेवल पे था तो उस वक्त से ये सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। मोबाइल जब होता तो मोबाइल से जो है ना वो अपने पिक्चर्स वगैरह जो है ना वो करने की कोशिश करते। तब इतने रिसोर्सेज तो नहीं थे लाइक कैमरा वगैरह तो, लेकिन मोबाइल से जो है ना वो तब से ही शौक था, जो कि ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बढ़ता गया उसके बारे में। सो जब यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचा तो उस वक्त तक काफ़ी इसमें जो है ना वो मैं इन्वॉल्व हो चुका हुआ था। ठीक है। अच्छा यासिर, आप वही ग्रुप में जो एक लड़का होता है जो सबकी बहुत अच्छी तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वो सबसे फजूल तस्वीरें उस बेचारे की खींचती है, ऐसा होता है कभी आपके साथ? हाँ, मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है एक्चुअली कि यूनिवर्सिटी लेवल पे मुझे अच्छी तरह याद है, जब लास्ट ग्रुप फोटो होना था तो उसमें मैं सबकी पिक्चर्स मैंने कर ली हैं और सब बहुत खुशी से उछल पड़े हैं कि जी बिल्कुल बहुत अच्छी आ गई है, और मैं चीख रहा हूँ कि मेरी फोटो नहीं अभी आई है। तो मैं भाग के उनके साथ गया हूँ जाके, तो फिर जैसा जो है ना वो पोज हुआ तो वैसे ही किसी ने जल्दी जल्दी खींच दी, तो वो मुझे आज भी याद है कि तो वो अच्छी पिक्चर नहीं। तस्वीर बनाने के लिए, तस्वीर जो अच्छी खूबसूरत तस्वीर बनती है उसके लिए इंसान का खूबसूरत होना जरूरी है, या कोई टेक्निक्स होती हैं इसके पीछे? देखिए, मेरा मानना है कि हर चीज़ खूबसूरत होती है, हाँ। लेकिन हर किसी के लिए खूबसूरत नहीं होती। तो मेरा ये मानना है कि जब कोई भी पिक्चर आप कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं तो उसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। पोज नो डाउट पिक्चर को अट्रैक्टिव बनाता है, और इसके अलावा जो उस बंदे की जो आउटलुक होती है, कुछ उसकी आउटलुक जो कि कुदरत की तरफ से सबकी चूंकि अच्छा बनाया गया, कुछ कैमरा उसको मेंटेन कर लेता है। सो पिक्चर कैप्चर करने के लिए या एक अच्छी पिक्चर के लिए जो है ना वो खूबसूरत होना बहुत जरूरी नहीं है। पोजेस जरूरी है इसके लिए? पोजेस एक्चुअली जो है ना वो अट्रैक्टिव बनाते हैं। अगर किसी का पोज नहीं बनता है तो पिक्चर उसकी नॉर्मल एवरेज में रहती है, नो डाउट। अच्छा रंगों की बात करते हैं, रंग भी जरूरी, मतलब कोई ऐसा होता है कि मैं अगर सुर्ख रंग पहन लूंगी या अगर सफ़ेद रंग पहन लूंगी तो तस्वीर ज़्यादा अच्छी आएगी, क्या ये भी मैटर करता है? रंग भी मैटर करते हैं? एक्चुअली मैटर करते हैं। अच्छा, वैसे जो रंग ना भी हो तो पिक्चर खूबसूरत होती है। हाँ, अच्छा। सफ़ेद रंग में पिक्चर हाँ, बड़ी अच्छी बहुत सारे लोग जो ना ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर को वो एक्चुअली उसके साथ कुछ सेंसिटिवली उसके साथ ना जुड़े होते हैं उस ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के साथ, कोई गमज़दा है तो ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा, लेकिन जो रंग है वो नो डाउट आप ट्राई भी कर सकते हैं। एक बहुत अच्छे लाइक गार्डन में चले जाएँ, बाग में चले जाएँ, किसी पार्क में चले जाएँ, वहाँ पर आप जो कैप्चर करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कलर्स के साथ ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छी लगेगी। और एक सिंपल एक सिंगल कलर के साथ अगर आप कहीं पे करेंगे तो आपको उसमें और उसमें डिफरेंस जरूर नजर आएगा। सो कलर्स मैटर्स। अच्छा यासिर, मुझे बताएं कि लैंडस्केपिंग ज्यादा मुश्किल है या फिर मॉडलिंग वाली जो पिक्चर्स बनाना है वो मुश्किल होती है? एक्चुअली मेरे ख्याल से जो है ना वो मॉडलिंग वाली थोड़ी सी पिक्चर जो है मुश्किल होती है। उसकी वजह यह है कि एक तो प्रेशर होता है, चलें अगर एक बंदा प्रेशर को ठीक है वो एब्जॉर्ब कर भी सकता है, तो उसके अलावा जो है वो उसमें एक एक चीज़ को देखना होता है, एक एक चीज़ को थीम देना बहुत मुश्किल है। थीम देना मुश्किल है उसकी, एक्चुअली उसकी एक पूरी प्लानिंग होती है कि ये पिक्चर इस तरह से बनाना, उसके लिए बड़ा बड़ा टाइम लग जाता है, 10-10, 15-15 मिनट एक क्लिक के लिए, एक एक घंटा एक जो है ना एक क्लिक के लिए लग जाता है। सो जो लैंडस्केपिंग है उसमें आप इजी और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में होते हैं तो आप। अच्छा, कभी दिल किया कि वाइल्ड एनिमल फोटोग्राफी जो हम अक्सर देखते हैं टीवी चैनल्स पे, वाइल्ड जो जानवर हैं बड़े उनकी फोटोग्राफी कभी दिल किया वो करूं? जी बिल्कुल, फोटोग्राफर जो है मैं तो ओवरऑल सारी जो है ना वो मेरी जो भी अच्छी लगती है चीज़ तो उसी को जो है ना वो कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ।
तो वाइल्ड जो है ना वो भी मेरा एक ख्वाब ही है एक्चुअली। अच्छा अच्छा वाइल्ड फोटोग्राफी। जी वाइल्ड फोटोग्राफी इसी से मिलता जुलता सवाल है। अभी आपने बात की वाइल्ड की जो फोटोग्राफी उसकी करने की, इसके अलावा जो कुदरती मनाजर होते हैं उनको कैप्चर करना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे कोई पहाड़ है कोई सरसब्ज जगह है उसको आप कैप्चर करते हैं तो उसमें एक आपको मोशंस भी दिखाने पड़ते हैं, आपको चीज़ नज़र आ रही होती है उसमें, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है? नहीं ये मुश्किल इस वजह से नहीं है, ये सारी चीज़ें स्टिल होती हैं। अच्छा। ना किसी एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, ना वो हिल जुल रहे हैं, कुछ भी नहीं है, वो आपके सामने एक सीनरी है। अच्छा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस एंगल से ले रहे हैं और उसके साथ क्या आप शो करना चाह रहे हैं, तो ये फिर जाके जो है ना वो आपकी पिक्चर एक बहुत अच्छी क्लिक हो जाती है। नेचर की आप देखेंगे भी ना तो जैसे गूगल वगैरह पे भी देखेंगे ना तो नेचर की जिसने भी पिक्चर्स ली होती है ना तो वो बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स होती हैं। बुरी नहीं आती है। हाँ एक जिसको नहीं भी इतना ज्यादा आइडिया ना वो भी अगर नेचर की क्लिक्स लेगा ना तो वो बड़े अच्छे आएंगे, उनका ग्रीनरी होती है एक्चुअली और इस तरह की। अच्छा यासिर आपने फोटोग्राफी की बात की, कैमरे से एक वीडियोग्राफी भी होती है, मतलब आप सिर्फ फोटोज नहीं बना सकते आप वीडियो भी बना सकते हैं, तो उसमें कभी इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं छोटी छोटी वीडियोज बना के और कोई लेसन वाली वीडियोज बना के ये शेयर करूँ या कुछ और जो भी आपका इंटरेस्ट हो? इसमें फिलहाल तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। अच्छा। वो ये है कि कुछ ही अरसे बाद इंशाल्लाह मेरी एक शॉर्ट वीडियो रिलीज होगी। अच्छा अच्छा। वो उसमें ये है काम कर रहे हैं आप उसमें भी। उसमें ये होगा कि मैं एक अपना दिन जो है वो कैसे जो है ना वो स्पेंड करता हूँ। तो उसमें हीरो किसको ले रहे हैं? मैं खुद ही। अच्छा आप खुद हैं? हां मेरे प्रोफाइल में टीम कोई नहीं मौजूद तो मैं हाजिर हूं। जी नो इशू। नहीं वो खुद हीरो में टीम। उसका ये है कि मैं जो है ना वो यूनिवर्सिटी जैसी सेफ सिटी के साथ जब मैं लिंक हुआ ना तो उसके बाद आई नेवर थॉट कि मैं इतनी कैलकुलेटेड इतनी ऑर्गेनाइज्ड जो है ना वो लाइफ को स्पेंड करूंगा, तो अब मेरे जो 24 आवर्स है ना वो सारे कैलकुलेटेड है, इस टाइम ये। अच्छा, तो इस वजह से वो मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि मैंने जो ना एक दिन अपना कैसे गुजारता हूँ जिसको मैंने पिक्चराइज करना है। सही। तो, हाँ तो उसके लिए मैं जो ना वो तकरीबन सारी प्रिपरेशन कर चुका हूँ, तो इंशाल्लाह जल्दी वो इंशाल्लाह। अच्छा कंपटीशन भी बड़ा है फाइक, देखो ना कि अब हर एक जिसको भी कैमरा दे दिया जाए वो खुद को फोटोग्राफर समझता है और वो करता है, तो इस कंपटीशन वाली जो दौड़ है ना जो दौड़ लगी हुई है उसमें अपना नाम बनाना और उसको फिर कैरी करना ये भी बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। दिन में ऐसा कौन सा वक्त है जिसमें तस्वीर सबसे अच्छी आती है, बता दे आज नाज़रीन को? अच्छा वो ऐसे है कि इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है जो कैमरा जिसने ऑपरेट करना है फोटोग्राफर का, उसकी वजह ये कि कैमरा जो है ना वो टोटली ये है कि लाइट को मैनेज कैसे करना है, इसके जो सेंसर है उसके ऊपर जितनी लाइट पड़ रही है ना उसको मेंटेन करना या उसको मैनेज करना एक्चुअली ये जो ना टेक्निक है या स्किल है। ठीक है। अब क्या होता है कि मॉर्निंग में जैसे ही जो है ना वो सूरज आता है तो उस वक्त तो सारी रोशनी होती है, कैमरामैन को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ती, ज़्यादा कोशिश नहीं करना पड़ती, सिंपल क्लिक्स जो ना स्पीड में क्लिक्स लेगा तो भी उसकी जो ना वो सही लाइट जो ना कैमरा अब्जॉर्ब कर लेगा। नाइट में मसला होता है, तो डे टाइम में स्पेशली 1 से लेकर 3 बजे के दरमियान में यूजली लोग जो है ना ट्राई करते हैं क्योंकि थोड़ा सा माहौल ठंडा हो रहा होता है और साथ इसके ये है कि आपका जो रोशनी भी पूरी पूरी होती है, तो इस वजह 12 बजे बहुत ज़्यादा धूप होती है, कैमरामैन को जो ना मुश्किल इस वजह से पेश आती है कि कैमरा में देखने में भी उसको मुश्किल आ रही होती है कि पिक्चर पता नहीं कैसी है क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो 1 से 3, 4, 5 बजे के दरमियान का जो टाइम होता है ना इसमें यूजली जो चले, अगर आपकी शादियां आप रात को है ना तो वो कैंसिल करके दिन में कर दें, तस्वीरें बहुत अच्छी है। उसके लिए उसका भी सलूशन है, उसका क्या सलूशन है अगर आपको? हाँ वैसे देखना इवेंट्स शादियां बर्थडे कोई और कोई पार्टी है वो शाम में होती है, 7-8 बजे स्टार्ट होती है। हाँ यहाँ पे एक्चुअली फोटोग्राफर का कमाल आता है कि ये जो कैमरा होता है इसका जो लेंस होता है वो किस तरह सेट, उसको किस तरह से सेट करना है और उसकी कितनी लाइट जो है ना वो उसके सेंसर पे पड़े कितनी अब्सॉर्ब हो तो कहाँ तक उसकी सेटिंग एक्चुअली जो है ना वो ऐसे। ये चीजें तो आपने बताई कि ये जो एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर है वो ये सारी चीजें करेगा, एक मेरे जैसा बंदा जिसने तस्वीर बनानी है दिन में, तो मुझे ऐसे आप क्या टिप्स बताएंगे कि यार आपको इस तरह से पिक्चर को कैप्चर कर ले तो ये आपकी पिक्चर बहुत अच्छी आएगी? अच्छा इसके बाद भी मैं एक बात पूछूंगी। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक बंदा जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है पिक्चर्स फोटोग्राफी का, तो मुझे क्या सूरज का ख्याल रखना पड़ेगा, रोशनी का ख्याल रखना है कि उसके मुतरादिफ जाने हैं या उसकी समत को चेंज करना है, क्या करना पड़ेगा मुझे? ठीक है, ये ना मैं आपको एक टेक्निकल बात है, वो ये है कि जैसे अब आईफोन है, आईफोन को कैमरा जो है ना लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो उसका कैमरा बहुत अच्छा है, नो डाउट उन्होंने उसके जो फिल्टर्स हैं और उसके जो कलर्स हैं वो बहुत स्टेबल उसके अंदर उन्होंने ऐड किए हैं। इसका ये है कि जब वो एक पिक्चर को क्लिक करता है ना तो वो मल्टीपल पिक्चर्स जो ना वो कैप्चर होती हैं, आपने एक ही पिक्चर क्लिक की है लेकिन उसके बैकएंड पे एक से ज्यादा पिक्चर्स जो ना वो क्लिक होती हैं, उनमें जो बेस्ट होती हैं जो सबसे अच्छी होती है ना जिसके कलर्स करेक्शन सब कुछ सब कुछ सेट होता है वो आपको शो कर देता है, इस वजह से आपको लगता है कि ये पिक्चर बहुत अच्छी है। सो अगर आपके पास एक मोबाइल है जिसका कैमरा जो है ना वो ठीक है, मेगा पिक्सल नॉर्मल है, ठीक है,
उससे अगर आप करें तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप लाइट के अंदर करें, क्योंकि कैमरा जो आम मोबाइल वाले कैमराज हैं ये लाइट के बगैर इतना फंक्शनल नहीं होते, इतना अच्छा नहीं काम करते। लाइट में अगर आप बनाएंगे तो जो है ना वो अच्छी पिक्चर आ जाएगी। आप कोशिश करेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अच्छा अच्छा, एक से ज्यादा पिक्चर क्लिक करें सो आपकी पिक्चर। अच्छा, ऐसे मैंने सुना है कि पिक्चर तो ले ली हमने, उसके बाद उसकी जब एडिटिंग होती है ना वो भी बहुत कमाल होता है। मतलब उस पिक को एडिट करना और फिर सबके सामने लाना, सही काम तो वो होता है जो आप एडिट कर रहे होते हैं, वो कितना मुश्किल है? एक्चुअली एडिटिंग जो है वो बहुत मायने रखती है पिक्चर के बाद। कलर करेक्शन जो है ना वो, अगर आप एक सिंपल जगह पे आपने पिक्चर ली है तो उसके बाद अब आप देखते हैं कि एक कलर है और आप हैं, आपके एक्सप्रेशन भी चले मैच नहीं कर रहे। फिर आप जब उसके एडिटिंग की तरफ जाते हैं तो मल्टीपल कलर्स उसके अंदर ऐड कर देते हैं, जैसे स्प्लैशेस वगैरह जैसे वो ऐड कर लेते हैं, पिक्चर को उसकी बिल्कुल हैसियत बदल जाती है। ठीक है, एडिटिंग बहुत जो है ना वो इम्पोर्टेंट। आप देखेंगे जितनी अच्छी पिक्चर्स होती है ना, बहुत अच्छी जो कंपटीशन में आती हैं वो एडिटिंग के बगैर नहीं आती हैं। सही है, तो वो इस वजह से एडिटिंग बहुत ज़रूरी है। कोई ना करे तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने कंपटीशन वगैरह में या बहुत अच्छी पिक्चर्स प्रेजेंट करनी है तो फिर आपको एडिटिंग ज़रूरी होती है। एक अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए क्या करना चाहिए? एक अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए एक तो आपके पास जो है ना वो एक नॉर्मल या एवरेज कैमरा होना लाजमी है। ठीक है, ठीक है। डेडिकेशन और टाइम, ये तीन चीज़ें हैं, कैमरा, डेडिकेशन और टाइम। इन तीन चीज़ों के साथ आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं। उसकी वजह ये है कि कैमरा तो चूंकि मैंडेटरी है, उसके बगैर तो नहीं कर सकते। अब कैमरा कोई बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना पड़ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली कैमरा लेंगे तो फिर ही आप कर सकेंगे। जितने भी फोटोग्राफर्स होंगे प्रोफेशनल, वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप एक नॉर्मल एवरेज में कैमरा लें और उसके साथ अपनी स्किल्स को पहले पॉलिश करें और उसके बाद जो वहाँ से अर्न करें उसी पे इन्वेस्ट करते जाएं। राइट, तो बहुत जो ना वो ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। यासिर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और शो के बाद नाज़रीन अब हम यासिर से करवाएंगे शूट। शूट से मुराद और भी बहुत सारे इसके मायने होते हैं, लेकिन शूट में तस्वीरें बनाने वाला शूट कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया यासिर आपका, थैंक यू सो मच। और यासिर ने हमें बताया कि कैसे जो है आप अपनी तस्वीर ज़्यादा अच्छी ले सकते हैं। तस्वीरें तो हम सभी लेते हैं, सेल्फीज लेते हैं, लेकिन उसकी एडिटिंग कैसे करनी है और ज़्यादा अच्छी किस टाइम में आ सकती हैं। और इसके साथ ही साथ अपनी प्यारी प्यारी से तस्वीरें बनाइए और हमें इजाज़त दीजिए। जाते जाते आपने क्या करना है, फेसबुक पर हमें फॉलो करना है, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेफ रहे, सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।